साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे बीच में मशहूर सिंगर और राइटर जिनका पूरे दुनिया के अंदर डंका बजता था, सिद्धू मूसेवाला, आज उनका भोग है। और इसी दौरान हम यहां से निकल रहे थे तो आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर युवा साथी ट्रैक्टर और ट्राली लेकर के, ये आपको बता दें कि ये खारिया गांव से युवा साथी आए हैं और ये मूसा पिंड जा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार उनका जो एक सटार कलाकार था जिनका मर्डर कर दिया गया, हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में आज शोक की लहर है कि जिनके गीतों के अंदर एक सच्चाई की अलग शक्ति थी, आज उस सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया और आज उनका भोग है। ये हरियाणा के सिरसा जिले के गांव खारिया से आए हैं तो इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हो भाई साहब? खारिया। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? ये कहना चाहेंगे सर कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए जी, कातिलों को जी। उनके माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी जी? तो बहुत ही दुख है आपको। तो एक बहुत अच्छे कलाकार थे पूरी दुनिया के अंदर जिनका डंका बजता था, आज पूरी दुनिया के अंदर शोक की लहर है। आप देख सकते हो सिद्धू मूसेवाला जिनका 29 तारीख को मर्डर किया गया था और आज उनके प्रशंसक देखो किस प्रकार हताश और निराश है। इस दुख की घड़ी में आज उनका भोग है जो कि मानसा में होगा। तो हमारे साथ कुछ और साथी, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? बोल दो जी, बोल दो। हम तो ये कहते हैं कि भारत के एक स्टार कलाकार थे, उनके ऐसे दुश्मनी निकालने के लिए हत्या कर दी गई। अब इकलौता बेटा था, उनके माँ बाप के साथ अब क्या बीतती होगी। हम तो ये कहते हैं कि उन दोषियों को पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आगे भी ऐसे वो और की हत्या या और माँ के लाल ना को। धन्यवाद, यही कह सकते हैं जी। आप देख सकते हो, भली भांति परख सकते हो कि इनका दुख किस प्रकार है। इकलौता माँ का बेटा 28 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाता है। और मूसेवाला भाई अमर रहे, सिद्धू मूसेवाला भाई अमर रहे, सिद्धू मूसेवाला भाई अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा।